गए हैं एलिमिनेट। आयशा के एलिमिनेशन की बात करें तो ये जो रोस्टिंग का आज पूरा टास्क क्रिएट किया गया या इससे पहले जो टीम ए और टीम बी का डिवीजन हुआ, ये पूरा आयशा को निकालने के लिए ही एक गेम प्लान था। देखिए, टीम ए में अरुण को रखा गया, टीम बी में आयशा को रखा गया, क्योंकि आयशा को अरुण से ज्यादा वोट आ रहे थे, तो इस उम्मीद से कि शायद उनकी वोटिंग कम होगी, मगर उनकी वोट्स फिर भी ज्यादा आ रही थी, विकी भैया से ज्यादा आ रही थी। तो एक कुछ इस तरह का टास्क क्रिएट करना बनता था, क्योंकि अदरवाइज आयशा को शायद या तो उनके लिए सिंपथी वोटिंग है या फिर उनके लिए मुनव्वर के हेटर्स की वोटिंग है। जो भी वोटिंग आ रही है उस हिसाब से वो एलिमिनेट नहीं हो सकती थी। और ऑनेस्टली आप लोग बताइए, क्या वो टॉप फाइव टॉप फोर में जाने के लिए डिजर्विंग थी? मेरे ख्याल से नहीं। ऊपर से सलमान भाई को आयशा कभी पसंद नहीं आई। वीक वन में उन्होंने उनको सिर्फ वाइल्ड कार्ड बोला और उनसे बात भी नहीं की। वीक टू में उनकी क्लास लगाई, पूछा तुम्हारा शो में आने का मकसद क्या है। वीक थ्री में उनसे सिर्फ अभिषेक की वापसी की वोटिंग ली गई थी, उनसे बातचीत नहीं की गई थी। वीक फोर में करण जौहर आए, करण जौहर ने भी जो एक बोला गया था कि आयशा की क्लास लगी है, मगर वो दिखाया तो नहीं गया, तो उनको कोई फुटेज नहीं मिली। तो आप ओवरऑल देखें तो आयशा को ना मेकर्स पसंद कर रहे थे, ना सलमान भाई पसंद कर रहे थे, उनका जाना तो तय था, उसके उसको हम रोक नहीं सकते थे। बस मैं चाहती थी थोड़ा जल्दी चली जाती तो अच्छा रहता, बट ठीक है, गई तो गई। अब दूसरी एलिमिनेशन की जो खुशखबरी आई है वो ईशा। देखिए, ईशा का गेम रहा है, ऐसा नहीं है कि गेम नहीं हो। मैं उनको टॉप सिक्स में देख रही थी, मगर सिक्स पोजीशन पे मुझे डाउट था कि ईशा होंगी या विकी होंगे, किसको लेके जाया जाएगा। देखिए, मुनव्वर, अभिषेक, मनारा, अंकिता, विकी, ईशा, शायद ये एक हो सकता था। मगर ईशा का जो उन्होंने रूप अख्तियार किया पिछले काफ़ी शायद दो हफ्ते से, जब से वो पोकिंग वाला इंसिडेंट हुआ, पोकिंग उन्होंने क्यों शुरू की चिंटू के साथ मिलके, ताकि क्योंकि चिंटू नॉमिनेटेड थे उनको बचाने के लिए, मगर वो लेवल क्रॉस हो गया, वो एक इस लेवल पे पहुंच गया कि जहां लोगों को अभिषेक के लिए काफ़ी सहानुभूति दिखी और चिंटू और ईशा को एक विलन का रूप दिखा। चिंटू के जाने के बाद भी ईशा रुकी नहीं। अभी पिछले कुछ दिनों में जो टॉर्चर टास्क हुआ हो या फिर उसके बाद जब इन लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया और मनारा को उन्होंने टारगेट किया। देखिए, एक तो मनारा काफ़ी लाडली है हमारे बिग बॉस की, ऊपर से वो जो कह रही थी उन बातों में कोई तुक नहीं था। अगर वो इतने लेवल पे ना जाती, इतने लेवल पे बुली ना कर रही होती मनारा को, तो आई थिंक वो थोड़ी सी बेटर दिख सकती थी। और अगर वोटिंग की बात की जाए तो जहाँ तक मेरा सोचना है, ईशा को विकी भैया से तो ज़्यादा वोट आ रहे थे। अब किस तरह से उनको निकाला गया है ये देख के ही पता चलेगा हमको वीकेंड के वार पे, बट अदरवाइज ईशा का जाना भी ओके है। मेरे ख्याल से अरुण उससे पहले जा सकते थे, पर ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनेटेड थी तो फिर नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में थे, ईशा को निकाला गया है। अब देखिए, आज का मुद्दा, पहला मुद्दा हमारा रेगुलर मुद्दा है, विकी और अंकिता भाभी जी का लड़ना। अब ये लड़ना, बीच में मनारा आ गई है, अंकिता को कुछ तो हो रहा है शायद, ये जो जैसे जैसे शो फिनाले की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी मानसिक स्थिति एकदम डावाडोल हो गई है। वो विकी भैया पे हर बात पे चिढ़ रही हैं, और विकी भैया की भी थोड़ी सी गलती इस तरह से लगती है कि वो इतने इमोशनल अगर हो रही हैं, कभी रोती हैं, कभी हग करती हैं, कभी सॉरी बोलती हैं, कभी किस करती हैं, फिर वापस वही मनारा के टॉपिक पे आ जाती हैं। मनारा ने आज क्या किया था, पूछा था ड्रेस लूज है, पिन लगा लूँ क्या, टाइट कर लूँ क्या, विकी भैया ने जवाब दे दिया ये उनकी हो गई गलती। विकी भैया भी ऐलान कर रहे हैं तुम्हें इसी शो में अगर अलग होने का की घोषणा करनी है तो कर दो। ये थोड़ी बातें एक लेवल को क्रॉस कर रही हैं, क्या रियल लाइफ कपल्स ऐसे होते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस शो में ये पूरा बनावटी लग रहा है, एक हद तक एक बनावटी लगता है, क्योंकि विकी भैया हंसते रहते हैं, अंकिता जी रोती रहती हैं, तो इन दोनों में कौन सा तालमेल है, कौन सी एक बॉन्डिंग है जो दिखाई गई है, कुछ भी दिखाया नहीं गया है। ऊपर से अंकिता की फ्लक्चुएटिंग इमोशंस है, कभी इतना रोना, इतना परेशान हो जाना, वो ईशा को सुना रही है कि ईशा स्टैंड ये बिल्कुल भी इमोशनल, विकी बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है। आयशा भी समझाती हुई नजर आई विकी भैया को, मगर विकी भैया अपने पॉइंट पर अड़े हुए हैं कि
मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर मनारा मुझसे बात कर रही है तो वो मनारा की साइड से बातचीत है, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई गलती तो नहीं है। आज रोस्टिंग में भी जब जब अंकिता के लिए पॉजिटिव बोला जा रहा था वो एकदम दिल से हंस रही थी, और जब भी मजाक रोस्ट हो रहे थे, ऑब्वियसली अगर रोस्ट हो रही हैं तो उनका उनका चेहरा बन रहा था। खासकर जब मुनव्वर ने बात की डॉल के बारे में, विकी भैया को एक डॉल चाहिए चाबी वाली, तो उस पर उनकी शक्ल एकदम उतर गई थी और काफ़ी वो परेशान दिख रही थी। अपने एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, पर उनके समझने की ज़रूरत है कि वो एक गेम शो में है। गेम शो में आप मतलब शुरुआत से अपने हस्बैंड के साथ आई या फिर आप अकेले आती, अकेले आती तो अपने आप को अपने इमोशंस को संभालना आपको बेटर तरीके से आप संभाल पाती। मगर एक विकी आए हैं आपके साथ, आपके हस्बैंड हैं, उनका नेचर कम्प्लीटली अलग है, आपका नेचर कम्प्लीटली अलग है, तो ये अनबन तो रहती है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के संभालना चाहिए, जो वो नहीं कर रही हैं। जहाँ रोस्टिंग की बात आती है, रोस्टिंग में आई थिंक जैसे कि एक्सपेक्टेड था, मुनव्वर इस काम में काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी केपेबल हैं, टैलेंटेड हैं, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया रोस्टिंग किया। जो उन्होंने कहा बकरा तो मैं खा गया हूँ, अभी कुछ भेड़ बचे हैं, सॉलिड लाइन थी। बकरा मतलब राइडर को भेज चुके हैं कि राइडर इकलौते, वोटिंग के सेंस में देखा जाए तो राइडर इकलौते उनको टक्कर देने वाले थे, बाकी सब लोगों की शायद इतनी फैन फॉलोइंग ना होती। अभिषेक सरप्राइजिंग एलिमेंट थे, अभिषेक का रोस्टिंग मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छे से उन्होंने रोस्ट किया। देखिए सभी के रोस्टिंग में आप देखेंगे मुनव्वर कॉमन फैक्टर हैं, विकी भी शायद एक कॉमन फैक्टर हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं है, शायद मनारा भी एक कॉमन फैक्टर रही है इनके रोस्टिंग्स में। तो कृष्णा सुदेश की कॉमेडी और रोस्टिंग भी बढ़िया थी, सुदेश ने एक एक कंटेस्टेंट्स को उठा के दे पटक दिया, अच्छा था। देखिए काफ़ी सारा वक्त इसी में गुजर गया और आज आयशा का एलिमिनेशन देखने को नहीं मिला, इसको भी खींचेंगे अब, कल दिखाएंगे, फिर ईशा का शायद परसों दिखाएंगे, तो ठीक है, जो भी मेकर्स करना चाहें। काफ़ी ढीले ढाले चल रहे हैं इस बारी मेकर्स या क्रिएटर्स, क्रिएटिव टीम बिग बॉस की। मेहमान आएंगे, सेलिब्रिटीज आएंगे कल और परसों, शायद ज़्यादातर वही फन दिखाएंगे, अनिल कपूर प्रीति सनन आके जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे कंटेस्टेंट्स के रिलेटिव्स हैं जिसपे प्रोमो आ रहा है, जो अंकिता की सासू माँ तो नहीं आई है इस बारी, भाभी जी आई हैं और भाभी जी पे एक तीखा सवाल पूछा है सलमान भाई ने कि सासू माँ ने एक इंटरव्यू में बोला है कि हम तो नहीं चाहते थे अंकिता और विकी की शादी हो, उसने अपनी मर्जी से की है। देखिए उसका क्या ही जवाब देती हैं भाभी जी। अब बचे हैं 6 कंटेस्टेंट हमारे, 6 कंटेस्टेंट टॉप 6 मिल गए हैं, मुनव्वर, अभिषेक, मनारा, अंकिता, विकी, अरुण। देखिए अरुण नहीं है उनका गेम कुछ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनमें शायद था कैपेबिलिटी थी करने की, मगर वो बस चुपचाप बैठे रहे आधा सीजन कंबल में, उसके बाद बिना कंबल के, पर उन्होंने कुछ किया नहीं, किसी से कोई ना दोस्ती की है ना ऐसी कोई सॉलिड दुश्मनी की है, बस बैठे बैठे निकल गया वक्त। किस्मत के सहारे उनको एक बीच में औरा भी मिल गए थे दोस्त के नाम पे तहलका के बाद, तो उनके साथ उन्होंने कोरियन वगैरह की अपनी लैंग्वेज सुधारी, मगर और कुछ नहीं था उनका गेम। तो अरुण भाई तो जाएंगे, तो बचे टॉप 5। टॉप 5 में हमारे हैं जो लोग बचे हैं उसमें मनारा को मेकर्स इतना सपोर्ट कर सकते थे कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता और कोई सपोर्ट बाकी है, और मुझे वो टॉप 2 में जाते हुए नहीं नज़र आ रही हैं। अंकिता और विकी अपने फाइट्स में फंसे रह गए हैं, अंकिता ने विकी का गेम थोड़ा डाउन कर दिया है, उन्होंने अपना गेम भी डाउन किया है, तो उनके बाकी दिन लड़ते झगड़ते बीतेंगे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि भाभी जी ने आके भी कुछ जवाब दिए होंगे, उस पर भी अंकिता जी पे असर पड़ेगा और वो फिर वापस से विकी से लड़ती हुई नज़र आ सकती हैं। मुझे विकी भैया पर्सनली काफ़ी पसंद हैं, मगर पता नहीं अभी वो उनकी रैंकिंग क्या होगी। टॉप 2 में हमारे मुनव्वर और अभिषेक हैं, दिल मेरा कहता है अभिषेक, दिमाग मेरा कहता है मुनव्वर। मुनव्वर के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत पॉपुलैरिटी है, उन्होंने गेम भी ठीक ठाक खेला है, दिमाग लगाया है, दम दिखाया है, सारे टास्क उनके दिमाग की वजह से जीते हैं लोग।
मगर उन्होंने ना अपने लिए स्टैंड लिया ना उन्होंने किसी और के लिए स्टैंड लिया। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि उन्हें कोई लंबी चौड़ी दोस्तियां तो करनी नहीं है क्योंकि जिंदगी बाहर है, ये गेम शो है। और अभिषेक की अगर मैं बात करूं, वो दिल से इसलिए पसंद आया है क्योंकि वो शुरू में उन्होंने ज़रूर ज़बरदस्ती के मुद्दे, ज़बरदस्ती के फाइट्स क्रिएट किए, पिछले सीजन देख के आए थे, उसी के बेसिस पे वो अपना एग्रेशन दिखा रहे थे, मगर उसके बाद उनकी एक जर्नी है, उन्होंने अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया है, वो भले वो मनारा हो या फिर वो मुनव्वर हो या फिर आयशा हो या अंकिता हो, वो काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में जब से वो वापस आए हैं थप्पड़ मारने के बाद, उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं किया जिससे हमको लगे कि वो उनका दिमाग मतलब बैलेंस नहीं है। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पोकिंग को हैंडल किया। अब सब खेल ऑडियंस के हाथ में है कि कितना जिता पाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग मुनव्वर के साइड पे हैं और कुछ लोग अभिषेक का भी नाम ले रहे हैं, तो देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों में से जो कोई भी जीते मुझे खुशी ही होगी। फिर मिलते हैं कल।